जब से रिटेंशन कंप्लीट हुआ है सभी का यही क्वेश्चन है कि सभी टीमों का कितना पर्स बैलेंस बचा हुआ है, उस पर वीडियो बनाओ। फाइनली उस टॉपिक पे वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में सभी 12 टीमों के रिमेनिंग पर्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड कितने और प्लेयर्स ऑक्शन में मिनिमम खरीदना होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं ऑर्डर से स्टार्ट करूँगा, जिनके पास सबसे कम पैसे होंगे उस ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे एंड एंड में बताऊँगा कि कौन सी टीम के पास सबसे ज़्यादा पर्स है ऑक्शन में। शुरुआत करते हैं नंबर 12 के साथ। तो सबसे कम पर्स है पुनेडी पल्टन के पास, डिफेंडिंग चैंपियंस पुनेडी पल्टन के पास एस्टिमेटेड 2.12 करोड़ का पर्स बैलेंस होने वाला है एंड ये मैंने अपडेट्स वाले वीडियो में बता दिया था कि पुणे के पास सबसे कम पर्स होगा। अब कम पर्स होने की वजह भी है कि पुनेडी पल्टन की टीम ने 12 प्लेयर्स को रिटेन किया है एंड मिनिमम इनको 6 प्लेयर्स और खरीदने होंगे ऑक्शन में पूरा स्क्वाड बनाने के लिए। एंड इससे आप पहचान ही सकते हो या फिर आप समझ ही सकते हो कि शादलु अब शायद से पुनेडी पल्टन से ना खेल पाए, 6 प्लेयर्स खरीदने हैं एंड शादलु इससे महंगे ही बिकने वाले हैं। 11वें की बात की जाए तो 11वें रैंक पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम है। जयपुर पिंक पैंथर्स के पास एस्टिमेटेड 2.29 करोड़ का पर्स बैलेंस होने वाला है। सीजन 9 की चैंपियंस एंड सीजन 10 की सेमीफाइनलिस्ट जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने 9 खिलाड़ी को रिटेन किया है। सुनील कुमार को रिलीज करने के बाद भी इतना कम पर्स यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स के पास है, इनको 9 खिलाड़ी और खरीदना होगा। अब रैंक नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं तो अगली जो टीम है वो है हरियाणा स्टीलर्स की टीम। पिछले सीजन की फाइनलिस्ट हरियाणा स्टीलर्स के पास एस्टिमेटेड 2.32 करोड़ का पर्स बैलेंस होने वाला है। हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने 13 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, अब इनको सिर्फ 5 खिलाड़ी और खरीदने होंगे एंड 2.32 करोड़ का पर्स बैलेंस है। तो कोई एक खिलाड़ी को या फिर कोई एक खिलाड़ी पे ज़्यादा पैसे यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम आप दे सकती है एंड खरीद सकती है। 9वीं टीम की बात की जाए तो 9वें रैंक पे तमिल थलाइवास की टीम है। तमिल थलाइवास के पास 2.57 करोड़ का एस्टिमेटेड पर्स बैलेंस हो रहा है एंड देखा जाए तो तमिल थलाइवास की टीम ने 14 खिलाड़ियों को रिटेन किया है एंड सिर्फ 4 खिलाड़ी और इनको चाहिए। तो तमिल थलाइवास की टीम भी कोई बड़े प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीद सकती है। 8वें रैंक की बात करते हैं तो 8वें रैंक पे दबंग दिल्ली की टीम है। दबंग दिल्ली के पास एस्टिमेटेड 2.66 करोड़ का पर्स बैलेंस होने वाला है। दबंग दिल्ली की टीम ने 9 खिलाड़ियों को रिटेन किया है एंड मिनिमम 9 खिलाड़ी इनको और ऑक्शन में खरीदने हैं। तो दबंग दिल्ली की टीम भी अच्छे पोजिशन में है। 7वें रैंक की बात की जाए तो 7वें रैंक पे यू मुंबा की टीम है। यू मुंबा का एस्टिमेटेड पर्स बताया जा रहा है 2.88 करोड़ का एंड इन्होंने 11 खिलाड़ियों को रिटेन किया है एंड मिनिमम और इनको ऑक्शन में 7 खिलाड़ी खरीदने होंगे। तो मुंबा की टीम भी काफ़ी अच्छे पोजीशन में दिख रही है। अब टॉप 6 टीम्स के बारे में जाने इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ऑक्शन को अब सिर्फ 5 दिन का समय बचा हुआ है। ऑक्शन का कवरेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट ज्वाइन कर लो। कबड्डी के छोटे से छोटे अपडेट्स आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप राइट साइड पे भी देख सकते हो, टेलीग्राम पे जाके @sportsnip7 सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, बहुत कुछ मिस कर रहे हो, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो अब 6वें रैंक की तरफ बढ़ चुके हैं। 6वें रैंक पे है बेंगलुरु बुल्स की टीम। बेंगलुरु बुल्स के पास एस्टिमेटेड 3.02 करोड़ का पर्स बैलेंस बताया जा रहा है। बेंगलुरु बुल्स की टीम ने 12 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, इनको 6 प्लेयर्स और चाहिए। तो बेंगलुरु बुल्स की टीम भी बड़े प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है या फिर भरत हुड्डा को वापस FBM कार्ड का इस्तेमाल करके लेगी बेंगलुरु बुल्स की टीम। 5वें रैंक की बात करते हैं। 5वें रैंक पे यूपी योद्धास की टीम है। यूपी योद्धास के पास एस्टिमेटेड पर्स बताया जा रहा है 3.16 करोड़ का। यूपी योद्धास की टीम ने 10 खिलाड़ियों को रिटेन किया जिसमें प्रदीप नरवाल शामिल नहीं थे, नीतीश कुमार को भी रिलीज किया, इनको 8 प्लेयर्स और खरीदने होंगे इतने पर्स में। 4वें रैंक की बात करते हैं। 4वें रैंक पे पटना पायरेट्स की टीम है। पटना पायरेट्स के पास एस्टिमेटेड 3.59 करोड़ का पर्स बैलेंस बताया जा रहा है। इन्होंने 10 खिलाड़ियों को रिटेन किया है एंड इनको ऑक्शन में 8 खिलाड़ी और खरीदने होंगे। एंड देखा जाए तो पटना पायरेट्स की टीम सचिन तन्वर को वापस लेने को देखेगी, प्रदीप नरवाल को भी टारगेट कर सकती है इतने ज़्यादा पर्स अमाउंट में एंड कुछ यंग प्लेयर्स को भी खरीद सकती है।
तीसरे रैंक की बात की जाए तो तीसरे रैंक पे बंगाल वॉरियर्स की टीम है। बंगाल वॉरियर्स के पास एस्टिमेटेड 3.62 करोड़ का पर्स बैलेंस है एंड इन्होंने 10 खिलाड़ियों को ऑलरेडी रिटेन कर लिया है, मतलब मिनिमम 8 प्लेयर्स और खरीदने होंगे ऑक्शन में। देखा जाए तो बंगाल वॉरियर्स की टीम भी काफी अच्छे सिचुएशन में। वैसे मनिंदर सिंह पे अगर ज्यादा बीटिंग जाता है तब दिक्कत दे सकता है, अदरवाइज बंगाल वॉरियर्स की टीम इतने पर्स में 8 प्लेयर्स इनको और मिनिमम खरीदने हैं। रैंक नंबर 2 की बात करते हैं तो रैंक नंबर 2 पे तेलुगु टाइटंस की टीम है। तेलुगु टाइटंस के पास एस्टिमेटेड 3.82 करोड़ का पर्स बैलेंस बताया जा रहा है। तेलुगु टाइटंस की टीम ने 10 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, 8 खिलाड़ी और खरीदने हैं, तो पवन को वापस ले सकती है अगर कम में बिकते हैं, अदरवाइज तेलुगु टाइटंस की टीम भी काफी प्लेयर्स को महंगे खरीद सकते हैं। एंड नंबर 1 की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पर्स गुजरात जायंट्स के पास होने वाला है, 4 करोड़ से ज्यादा पर्स होगा, 4.08 करोड़ का पर्स होने वाला है, जिसमें गुजरात की टीम ने सिर्फ 5 ही खिलाड़ी को रिटेन किया है एंड 13 प्लेयर्स और इनको खरीदने होंगे ऑक्शन में। तो राम मेहर सिंह देखने वाली है कौन से बड़े प्लेयर्स को टारगेट करती है एंड गुजरात जायंट्स की टीम कौन से बड़े प्लेयर्स को टारगेट करने वाली है, इस पे वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे वीडियो शो हो रहा होगा। एंड आपको क्या लगता है कौन सी टीम अभी अच्छे सिचुएशन में है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा। लेफ्ट साइड पे गुजरात जायंट्स का टारगेट वीडियो शो हो रहा होगा एंड राइट साइड पे चैनल का लेटेस्ट वीडियो शो हो रहा होगा, उस पे क्लिक करके आप वो वाला वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं उस वीडियोस में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।